दो वर्ड यूज करूंगा, ऑडिटिंग और एडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होती है? कुछ किए हुए काम को क्रिटिकली चेक करना कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, तो ऑडिटिंग। और एडिटिंग, मैडम आपका ये तरीका थोड़ा ठीक नहीं है, मेरे कहने से ये ट्राई करके देखो क्योंकि ये मेरा भी सब्जेक्ट रहा है। एडिटिंग कर सकते बोलिए, अगर कर सकते हैं तो फिर कौन इस बात को झुठला सकता है कि राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल में मिलने वाली एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन ही होगी, कोई दूसरा वर्ड आ ही नहीं सकता। गवर्नमेंट स्कूल मतलब क्वालिटी एजुकेशन। कौन ये कहता है अरे सर एजुकेशन तो क्वालिटी घुसानी पड़ेगी, नहीं नहीं हमारे किसी को तो घुसानी नहीं पड़ता, हमारे जो एजुकेशन है क्वालिटी एजुकेशन है, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स चेंज के एजेंट बन चुके हैं, क्या हम बन सकते हैं? अब ये बात कितने घंटे तक याद रहेगी, बस ये पता नहीं है, नहीं बताया है ना, नहीं पता मुझे तो। ये मैं तो दुआ कर सकता हूँ भगवान से, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने दिल से बोला है, मुझसे नहीं, क्या बात है। और आपके दिल को ही सुनना चाहिए था, कानों को। उम्मीद करता हूँ कि दिल ने कहा है तो दिल ने सुना होगा, और हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल्स को वन ऑफ द बेस्ट बनाने के लिए जो प्रिंसिपल्स की टीम है कोई बाहरी इंजेक्शन सिस्टम में लगा के सिस्टम की सेहत नहीं सुधारी जा सकती। किसी बीमार आदमी को मेकअप करके ज्यादा देर सुंदर नहीं दिखा पाओ, अंदर से उसकी सेहत ठीक करनी पड़ेगी। बात को सुनो, जब लोग ये दावा करते हैं ना हम बाहर से ये एमओयू करके ये इंजेक्शन लगा देंगे तो ये 10 स्कूल ऐसे हो जाएंगे, ये 5 जिले ऐसे हो जाएंगे, वो सारे कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक और टॉनिक में क्या करोगे? उसने कहा राजा के मन में आया कि हो सकता है इसको घोड़ा उड़ाना, बताओ। बोला कितना टाइम लेगा? बोला एक साल। उड़ा देगा? बोला हाँ। बोला नहीं उड़ाया तो फिर तड़पा तड़पा के मारूंगा? बोला हाँ मारूंगा। तो राजा ने उसको एक साल के लिए घोड़ा देके जेल में वापस भेज दिया। अब वो जेल में वापस आया तो उसके साथ के लोगों ने कहा यार हम तो तुझे इंटेलिजेंट समझते, तू तो बेवकूफ निकला, तुरंत मरना ठीक है, एक साल मौत का इंतजार करने के लिए। बोला मेरी बात तो सुन लो, चार कारण है जो मैंने ऐसा ऑफर दिया। कितने कारण है? चार कारण है। बोला बता क्या चार कारण? बोला हो सकता है इस एक साल में ये राजा मर जाए, नया राजा दयालु हो। बोला हाँ ठीक है, इस एक साल में मैं मर जाऊं एक्सपर्ट है तो मुझे दुख नहीं होगा कि मैं अकाल मौत मरा, ये भी ठीक है। तीसरा बोला हो सकता है बूढ़ा मर जाए, मैं कहता हूँ मैंने तो सिखा दिया था भाई। बोला हाँ ये भी ठीक है। अब ये तीन कारण तो सबके दिमाग में आते हैं, लेकिन उसने कितने कारण कहे थे? चार। तो दोबारा रिपीट करता हूं मैं, कारण नंबर एक हो सकता है ये राजा मर जाए, हो सकता है मैं मर जाऊं, हो सकता है ये घोड़ा मर जाए, चौथा हो सकता है मैं इस घोड़े को वाकई पे उड़ना सीख जाऊं। तो घोड़े उड़ते हैं, 22 साल की नौकरी के बाद मैं कह सकता हूं घोड़े उड़ते हैं, उड़ाने की हिम्मत होनी चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट में मैंने ये कहा कि मैं फीमेल पीडियाट्रिशियन खत्म करना चाहता हूँ, कहते हैं अपन हत्या पे रोक लगाना चाहता हूँ। 2015 में मैंने जब कहा, उन्होंने कहा सर कोई और नाम सेलेक्ट कर लीजिए, कन्या भ्रूण हत्या पे रोक कैसे लगाओगे, 17 लाख औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, कहाँ निगरानी रख पाएंगे अपन 17 लाख औरतों पे, कहाँ जाके टेस्ट करवा लेंगी, कहाँ जाके अबॉर्शन करा लेंगी, सर बेटियां तो बचाना यूं तो मुश्किल ही है। आप इतिहास पढ़िएगा मेरा 15, 16, 17, 16, 17, 18 110 डिकॉय ऑपरेशन थी, इसको स्टिंग ऑपरेशन बोलते हैं, 300 से ज्यादा लोगों को जेल के पीछे डाला, कई कई साल तक बाहर नहीं निकलने दिया, जो टेस्ट का रेट 5,000 था मार्केट में वो 1,00,000 रुपए था, 1,00,000 रुपए रेट होने के बाद आधे लोगों ने वैसे कराना बंद कर दिया। और इस बार की सेंसिस होने दीजिए भगवान ने चाहा तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि घोड़ा उड़ाता कि नहीं। बाकी यहाँ अगर कोई डॉक्टर हो या सोनोग्राफी वाले लोग हो उनसे मेरे नाम लेके पूछ लीजिए। 16, 17, 18 में नवीन जैन कोई नाम सुना था तो मैं इतना बड़ा दावा यहाँ खड़े होकर गलत तो नहीं करूंगा, वो भी यूट्यूब पे। जब कहना ये चाहता हूँ कि वो भी घोड़े उड़ाने जैसा था, वो हाथी उड़ाने जैसा, और हमने उड़ा दिए थे वो भी तेरे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जो काम घोड़े उड़ाने जैसा लग रहा है वो घोड़े उड़ाने जैसा साबित होगा नहीं। कहने का मतलब क्या है, मेरा स्कूल आज जैसा दिख रहा है कल मेरे आने के बाद वो बेटर दिख सकता है। क्या मैं ये चैलेंज अपने लिए मानता हूं कि नहीं मानता?
और अगर मैं ये मान रहा हूँ ठीक है जी शांति से चलो जी ढाई साल बचे हैं प्लीज लुक टू दिस आप कर सकते हैं और इतने लोग मिलके करेंगे 65,000 लोग मिलके करेंगे या सीनियर सेकेंडरी के 18,000 मिलके कर लें तो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ ज्यादा नहीं 20% चेंज ला दूंगा कितना मांग रहा हूँ ज्यादा तो नहीं मांग रहा आज अगर आपका स्केल स्कूल का 58 पे है तो कितने में मांग रहा हूँ 78 पे आप देख लो दिखाई दे लोग बात करेंगे मैं आपको बात करते हुए दिखा दूंगा महीने भर मैं थोड़ी 8 करोड़ लोगों की जुबान चेंज कर सकता हूँ कर सकता हूँ 8 करोड़ लोगों को मैनेज किया जा सकता है 100-200 को कर सकते हो 500 को कर लो 1000 को कर लो लेकिन अगर हम सारे लोग मिलके अपने स्कूलों में पढ़ाई करवाएंगे और एक बात हो कंप्यूटर अनुदेशक अगर कहीं भी डेपुटेशन पे लिया गया है इमीडिएटली डेपुटेशन कैंसिल करके वापस मंगा लीजिए मैं ब्लैंकेटली कह रहा हूं मैंने साफ तौर पे बात कर ली है कंप्यूटर अनुदेशक के जाने से आईसीटी लैब बंद हो जाती है बच्चों को पूरा साल कंप्यूटर सीखने को नहीं मिलता है बहुत 10-10, 12-12 हज़ार वाले और कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर वो लेसिंग लिए जा सकते हैं हम नहीं ले दूसरा जब आपके यहाँ से स्टाफ को अधिक काम होने की वजह का कह के एसडीएम तहसीलदार एडीएम वीडियो बुलाएं आप उनको साफ तौर पर ये कह दीजिए हमें डायरेक्टरेट की अनुमति की आवश्यकता है कोई आपके दबाव डाले नोटिस जारी करे उसका एक ही जवाब दीजिए कि हमें ये कहा गया है कि डायरेक्टरेट और सेक्रेटरीट से अनुमति मिलने के उपरांत हम इनको रिलीज कर सकते हैं आप वहां से अनुमति ले लीजिए आपको कोई नोटिस देगा तो हम ही देंगे और कौन देगा बोलिए बहुत बढ़िया लेकिन 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 जब आपको ये पीड़ा होती है ना कि ये आदमी जाने से मेरा काम खत्म हो रहा है ऐसे लोग भी होते हैं जो आदेश करा के लाते हैं आप तुरंत उनको रिलीव कर कईयों के सलाहकार भी अभी होते हैं और तो कुछ नहीं होगा आप वहां से आदेश करा लो आते में रिलीव कर दूंगा वो भी ध्यान में रखना फिर बात दोनों तरफ की ध्यान में रखना एक ही पहलू मत देखना दोनों पहलू देखना फिर वहां दिक्कत होती है कि प्रिंसिपल साहब ने इसमें तो आपको रेफर कर दिया इसमें तुरंत रिलीव कर दिया ऐसा ऐसा जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है ये आपको ही अनपॉपुलर करता है आप समझ गए मैं काम बोल रहा हूँ ये मेरा कहना था तो कृपया करके अपने स्कूल के सारे रिसोर्सेज जितने भी अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं करिए इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मुझे महात्मा गांधी प्रिंसिपल्स की कॉन्फ्रेंस में लगभग 20-25 बहुत अच्छे सुझाव मिले थे मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है इस वीक में और उसमें से शायद 10-12 पे हम निर्णय लेके वो सारी चीजें कर देंगे